सिंगरौली में जेपी निगरी पावर प्लांट में कार्य कर रहे भूपेंद्र द्विवेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक ने पावर प्लांट के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद युवक के परिवार में आक्रोश है। परिवार के लोगों का कहना है कि भूपेंद्र द्विवेदी आत्महत्या नहीं कर सकता। मृतक के परिजनों का कहना है कि जेपी प्रबंधन हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि मृतक ने फांसी लगाई थी तो जेपी प्रबंधन और पुलिस को परिजनों के आने का इंतजार करना था। उन्होंने कहा फांसी के फंदे से उतारने वाले ने अलग अलग बातें बताई हैं जिससे प्रबंधन संदेह के घेरे में है। उधर पुलिस द्वारा घटना को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आपको कितने बजे जानकारी हुई? 3 बजे ड्राइवर था, एक ड्यूटी करता था वहीं पास है, मैं रूम लिया, वो था। हम आए तो बोले कि हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल नहीं, वो गेट से ले गए अंदर, अंदर से बोले ऊपर चलिए, ऊपर गए तो जैसे वो गाड़ी उतनी दूर में हमको, इतने दूर से बोले कि वो है, तो हम उधर जाने लगे तो एक लेडीज थी अभी यहाँ पास, वो थी तो वो आगे से ऐसे हमको पकड़ ली, अब पीछे से ड्यूटी वाले आदमी लोग, लेडीज एक है थी, पीछे से ड्यूटी वाले पकड़े हैं, आगे से वो लेडीज करने को तैयार नहीं। और हमने उस घटना में गए जहाँ घटना स्थल था, 6 फीट 2 इंच का, 6 फीट का आदमी और 5 फीट 6 इंच है। 2 लाख देने वाली बात आपसे कौन कहा? ये पावर मेट का जोशी, आपसे डायरेक्ट बात हुई है? हाँ, डायरेक्ट आया था, साहब लोग बुलाए थे, 3 लाख रुपए बोला। और जो आदमी वहाँ पे रस्सी काटा, एक लड़का बोल रहा है कि पैर जमीन में था, दूसरा आया तो बोल रहा 3 इंच ऊपर था, ठीक है। और रस्सी में कहीं एक मच्छर के बराबर खून नहीं है, हमने उसका वीडियो भी बनाया है। उस रस्सी का न्यू ब्रांड रस्सी है, ऐसे लग रहा है अभी 10 मिनट पहले खरीद के कोई लाके और मतलब बॉडी को ऐसे लटका दी, बॉडी लटका दे, वो कोई नहीं देखा। रात के 2 बजे मृत रात में ये सूचना आई थी कि भूपेंद्र द्विवेदी नाम के जो ठेकेदार कर्मचारी थे, उनने निगरी प्लांट में काम करते थे, सुसाइड कर लिया। और इस जानकारी में तुरंत पुलिस स्पॉट पर गई थी के कर्मचारी ने शव को जो है उतार लिया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।